नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपके पास जो लोग संविदा शिक्षक की भर्ती के पेपर देने वाले हैं, उनके पास आपको लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं और इन 7 दिनों में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको नंबर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहली बात तो ओके। और इन 7 दिनों में सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है आपने, अगर आपसे वहाँ से पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन पहली बात तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन 7 दिनों में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ना था वो पढ़ चुके हो। अब 7 दिनों में अगर आप नया कुछ पढ़ते हो तो बाकी की चीज़ें जो है वो छूटने के ज़्यादा शांत रहते हैं और आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 7 दिनों में सिर्फ आपको वही चीज़ें करनी है जो आपने पढ़ी हुई हैं, रिवीजन किया हुआ है उसको, पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कीजिए, एंड आपको टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। 7 दिनों में जितना हो पर डे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, सुबह शाम लगा लीजिए या फिर, ठीक है। इससे टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपका जो है वो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आपके नंबर जो आ रहे हैं क्या कैसे आ रहे हैं, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो आपको एग्जाम में गलती ना हो, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, मोस्टली नया कुछ नहीं पढ़ना है, पर डे जो है वो आप 7 दिनों तक जो है वो टेस्ट सीरीज लगाइए, और आपने जो मेहनत की है उस पर भरोसा रखिए, आपने जो पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा रखिए, कि अगर मुझसे यहाँ से जो भी आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ओके। तो ये चीज़ें आपको मैं मोस्टली जो है वो याद रखना है। और देखिए, दूसरों को कंपैरिजन कभी मत कीजिए, दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको आते होंगे वो दूसरों को नहीं आते हैं, और दूसरों को आते हैं वो आपको नहीं आते होंगे। तो कभी भी आपको सेल्फ दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, आप खुद पे भरोसा रखिए, आप अच्छे हो, आपने पढ़ाई की है, ठीक है। दुनिया है कहती है, सब कुछ कहते हैं, कोई ना कोई कहने वाला होता है, लेकिन आप जो चाहते हो और आपका पैशन है, आप जिसे फॉलो करते हो, वो आप जरूर जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए, और आप अपनी तैयारी पर मेहनत, देखिए मेहनत बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की आज के दौर में प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के आप किसी भी एग्ज़ाम को बात की जाए तो पास नहीं कर पाओगे। इसमें आपको अच्छे से नंबर लाना है, और आने वाली लाइफ जो रहेगी वो आपके इसी एग्ज़ाम के देने के बाद जो है वो आपको जो सक्सेस मिलेगी उस पर डिपेंड करती है कि आप आगे क्या कर सकते हो, ठीक है। आपकी और भी, देखिए ये वाला एग्जाम हो गया, आपकी और भी जो है वो तैयारी होगी कि मुझे ये भी एग्जाम क्रैक करना है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है, आप किसी एक ही एग्जाम में नहीं लगे रह सकते। तो इस गोल को पाइए, फिर दूसरे गोल जो आपका है उसको फोकस कीजिए, यही चीज़ें आपको काम आती हैं हमेशा, और मेहनत करना से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसान हो, इंसान जो भगवान है, इंसान का जन्म दिया है, तो जाहिर सी बात है आपके पास दिमाग है, हाथ पैर अच्छे हैं, आप अच्छा खाओ पियो और अपने दिमाग को जो है वो स्ट्रांग बनाओ। आपको दिमाग अगर भटकता है कहीं भी तो आप मेडिटेशन करो, पर डे 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन करो, आप एकदम शांत वातावरण में बैठ जाओ और आपकी जो सांस चल रही है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये बहुत आपको इम्प्रूवमेंट करेगी आपके मार्क्स को, आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर को, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि लोग अगर योगा नहीं करते हैं, योगा करना बहुत ज़रूरी है, देखा जाए आपकी स्ट्रॉन्ग, आपकी वीकनेस जो है वो उसको दूर करती है, और आप में जो है वो अच्छी क्षमता, कॉन्सेंट्रेट पावर, देखिए पढ़ाई के लिए हमेशा जो है वो एक कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होती है, कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा है तो आप जो है उसको जल्दी से याद कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, मैं आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। पैसे एक तरफ हैं, बाकी आपकी जो कैरियर है वो एक तरफ है, तो आप अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट के 7 डेज में आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। एक बार मैं फिर से याद दिला लूँ, नया कुछ मत पढ़ना, भले ही आपको लगता है कोई दूसरा भी अगर आपसे बोलता है कि अरे ये छूट गया ये, तो बिल्कुल मत कीजिए, 7 दिनों में आप कोई तीर नहीं मार लोगे, ठीक है। आपने इतने टाइम से पढ़ाई की है, उसी पर फोकस कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए, और टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज ली होगी पहले भी, अगर नहीं ली तो अभी आप ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि
क्वेश्चन जो आते हुए भी अगर आपके एग्जाम में गलत होते हैं तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि आप जो है वो कंफ्यूज होते हो। तो ये सब चीज़ें आपको टेस्ट MCQ प्रैक्टिस करने से जो है वो दूर होती हैं, तो आप इसे खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको और कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। एंड अपने आप पे भरोसा रखिए, आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिसके अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो क्या है कि सर्वर डाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो लोडिंग में टाइम लग रहा है। तो आपको जब भी एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, ट्राई करते रहिए, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।